हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग सेशन। दिस इज आवर यूनिट नंबर 4, दैट इज फेज कंट्रोल रेक्टिफायर ऑफ द सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 30 ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड द टुडेज टॉपिक ऑफ lecture is midpoint type full wave control rectifier for the resistive load. So the course outcome is student will able to maintain the phase control rectifier, and the learning outcome is student will able to explain with sketches the working of full wave fully controlled midpoint type rectifier for the resistive load. Prerequisites: in the previous lecture we studied the single phase half wave rectifier with RL load with freewheeling diode. Also, we studied the functions of freewheeling diode. Rectifier. As we know that rectifier circuits is of two type. One is the half wave rectifier and the second one is the full wave rectifier. Rectifier का काम क्या होता है? AC को DC में convert करना। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा रहता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज द फुल वेव रेक्टिफायर विथ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर विच इज आल्सो नोन एज मिड पॉइंट टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। And the second one type of full wave rectifier is full wave bridge rectifier. So now we are going to study about full wave rectifier with center tap transformer. Single phase midpoint type controlled full wave rectifier. इसी को दूसरा नाम है सेंटर टैप कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले फॉर रेजिस्टिव लोड। फिगर ए शोज द सर्किट डायग्राम ऑफ मिड पॉइंट टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे हमने फुल वेव रेक्टिफायर कौन सा बोला है? कंट्रोल रेक्टिफायर। देयरफॉर वी आर यूजिंग अ थायरिस्टर T1 एंड T2। मिड पॉइंट टाइप रेक्टिफायर में एक ट्रांसफॉर्मर लगेगा, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी साइड जो रहेगी वो सेंटर टैप रहेगी, और दो SCR लगेंगे T1 एंड T2। अभी इनपुट सप्लाई है तो इसको डिनोट किया हमने VS से, और लोड कौन सा है हमारा? रेजिस्टिव लोड। लोड के अक्रॉस मतलब ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा इसको बोलेंगे हम लोड वोल्टेज, एंड जो रेजिस्टर में से मतलब लोड में से जो करंट जाएगा इसको बोलेंगे हम लोड करंट। सो पहली वेवफॉर्म निकालेंगे हम इनपुट सप्लाई की विच इज अ साइनोसाइडल इन नेचर। सेकेंड वन वेवफॉर्म इज फॉर गेट करंट। थर्ड वेवफॉर्म इज फॉर लोड वोल्टेज एंड द फोर्थ वन वेवफॉर्म इज फॉर लोड करंट। सो सप्लाई वोल्टेज है हमारा साइनोसाइडल, तो जीरो से चालू होंगे हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल अपर टर्मिनल हमारा बनेगा पॉजिटिव। सो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो सेकेंडरी में भी अपर टर्मिनल क्या बनेगा हमारा? पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे हमारा बनेगा पॉजिटिव। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, लोअर टर्मिनल क्या बनेगा हमारा? निगेटिव टर्मिनल बनेगा। सो पॉजिटिव मिल रहा है SCR T1 के एनोड को और निगेटिव मिल रहा है SCR T2 के कैथोड को। तो T1 और T2 में से T1 थायरिस्टर क्या होगा हमारा?
फॉरवर्ड बायस होगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, और टी टू एस सी आर क्या होगा हमारा रिवर्स बायस। सो हम टी वन एस सी आर को ऑन कर सकते हैं बाय गिविंग द गेट पल्स। पर यहाँ पे अगर हमने जीरो से देखा तो हमने कोई गेट पल्स दिए क्या? नहीं। तो जब तक हम इसको गेट पल्स देंगे नहीं तब तक एस सी आर टी वन जो है वो ऑन नहीं होगा। इसीलिए लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा हमको? जीरो। और लोड में से करंट भी कितना जाएगा? जीरो। क्योंकि जब तक हमने इसको गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये स्विच जो है वो कैसे रहेगी? ओपन स्विच की तरह। तो यहाँ से ना करंट जा पाएगा ना यहाँ से करंट जा पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में टी वन को फॉरवर्ड बायस है तो टी वन को क्या करेंगे? गेट पल्स देंगे। सपोज इस एंगल पर हमने टी वन को गेट पल्स दे दिया, जिस एंगल पे हम इसको गेट पल्स देते हैं इसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा, फायरिंग एंगल। तो वही एंगल पे हमारा टी वन एस सी आर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। मतलब ये स्विच क्या हो जाएगी? ऊपर वाली टी वन की स्विच क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। जैसे ही टी वन की स्विच ऑन हो जाएगी तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज था वी एस वोल्टेज, ये किसके अक्रॉस आ जाएगा? देखो पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा वी एल के पॉजिटिव को, निगेटिव कनेक्ट हो जाएगा वी एल के निगेटिव को। तो जो भी इनपुट सप्लाई वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस आ जाएगा? लोड के अक्रॉस। तो यहाँ पे हमने पहले ही डॉटेड करके वेवफॉर्म निकाल ली है वो काय की है? इनपुट वोल्टेज की, जो इस तरीके से दिख रही है हमारी। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, तो ये काय की वेवफॉर्म हमारी प्लस वी एस की। और ये जो उसके एग्जैक्टली अपोजिट है 180 डिग्री पे, ये काय की वेवफॉर्म रहेगी हमारी? माइनस वी एस की। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने टी वन को अल्फा एंगल पे ऑन कर दिया बाय गिविंग द गेट पल्स। जैसे ही ऑन हो जाएगा तो इनपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस आ जाएगा? हमारे लोड के अक्रॉस। तो अल्फा के बाद का जो भी इनपुट वोल्टेज है प्लस वी एस वोल्टेज वो आ जाएगा हमारे लोड के अक्रॉस। यहाँ पे हमने लोड कौन सा कंसिडर किया है? रेजिस्टिव लोड। तो जैसे ही वोल्टेज की वेवफॉर्म आएगी वैसे ही काय की वेवफॉर्म आएगी? करंट की। मतलब जीरो से लेके अल्फा तक हमने कोई भी गेट करंट नहीं दिया था, तो हमको लोड वोल्टेज जो है वो कितना मिलेगा? जीरो। और लोड करंट भी कितना मिलेगा? जीरो। और अल्फा पे हमने गेट करंट देके एस सी आर टी वन को ऑन कर दिया, तो जैसी वेवफॉर्म हमारी वोल्टेज की आ रही थी वैसे ही वेवफॉर्म क्या की आएगी? करंट की। सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम होगा। एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई, पाई पे क्या हुआ है? एस सी आर टी वन में से जाने वाला करंट यहाँ पे जीरो हो गया। जैसे ही करंट जीरो हो गया मतलब नेचुरली एस सी आर टी वन क्या हो जाएगा? कम्यूटेट हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ये अगर ऑफ हो गया फिर क्या चालू हो रही है? पाई से हमारी निगेटिव हाफ साइकिल चालू हो रही है। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल लोअर टर्मिनल बिकम पॉजिटिव एंड अपर टर्मिनल बिकम निगेटिव। अभी दूसरे साइकिल के लिए मतलब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए लोअर टर्मिनल पॉजिटिव बन गया, तो टी टू एस सी आर के एनोड को पॉजिटिव मिलेगा और टी वन एस सी आर के एनोड को निगेटिव मिलेगा। तो टी वन और टी टू में से अभी निगेटिव हाफ साइकिल के लिए टी टू एस सी आर फॉरवर्ड बायस होगा, पर ये ऑन होगा क्या? नहीं। जब तक इसको हम गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो जब तक हम इसको गेट पल्स नहीं देंगे तब तक हमारा लोड वोल्टेज कितना रहेगा? जीरो। और लोड करंट भी कितना रहेगा? जीरो। एंड उतने ही एंगल के बाद हम क्या करेंगे? अल्फा। तो ये कितना एंगल होगा रहा? पाई प्लस अल्फा। तो पाई प्लस अल्फा पे निगेटिव हाफ साइकिल में टी टू फॉरवर्ड बायस था, उसको गेट पल्स देके हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। तो ये ऑन होते बराबर जो भी इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे माइनस वी एस वोल्टेज था तो ये पॉजिटिव किसको कनेक्ट हो जाएगा? लोड के पॉजिटिव को। यहाँ पे देखो गेट पल्स देंगे तो ये टी टू का स्विच क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस वी एस वोल्टेज था तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो लोड वोल्टेज के पॉजिटिव को कनेक्ट हो जाएगा और निगेटिव लोड के निगेटिव को। मतलब जितना भी इनपुट वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस आ जाएगा? लोड के अक्रॉस आ जाएगा। मतलब माइनस वी एस वोल्टेज विल अपियर अक्रॉस द लोड। तो ये अगर प्लस वी एस की वेवफॉर्म है तो माइनस वी एस आएगा हमारा ऊपर के डायरेक्शन में,
तो माइनस वी एस वोल्टेज विल अपियर अक्रॉस द लोड। जैसे ये वोल्टेज की वेवफॉर्म आ रही है वैसे ही क्या आएगी, लोड करंट की वेवफॉर्म आएगी, क्योंकि लोड कौन सा है हमारा, रेजिस्टिव इन नेचर। तो जहां पे वोल्टेज जीरो होगा वहां पे ही 2 पाई एंगल पे हमारा करंट भी क्या होगा, एससीआर T2 में से जो करंट जा रहा है वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब टू पाई एंगल पे हमारा एससीआर T2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक T2 काम करेगा, उसके बाद 2 पाई पे T2 एंगल नेचुरली कम्यूटेट हो जाएगा। फिर से 2 पाई के बाद फिर से वही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, सेम साइकिल विल रिपीटेड। सो गेट की भी जो वेवफॉर्म है सेम रिपीट होगी, लोड वोल्टेज की भी वेवफॉर्म सेम रिपीट होगी और लोड करंट की भी वेवफॉर्म सेम रिपीट होगी। जैसे कि 2 पाई पे फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कौन फॉरवर्ड बायस होगा, T1 SCR, और वो कब आना होगा, जब उसको हम गेट पल्स देंगे तब। तो अल्फा पे 2 पाई प्लस अल्फा पे हम उसको गेट पल्स देंगे तब ऑन होगा, और जैसे ही ऑन होगा इनपुट वोल्टेज विल अपियर अक्रॉस द लोड। सिमिलरली द इनपुट करंट विल आल्सो अपियर अक्रॉस द लोड। 3 पाई पे T1 में से जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो T1 SCR ऑफ हो जाएगा। 3 पाई के बाद निगेटिव हाफ साइकिल चालू होगी, तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए T2 SCR फॉरवर्ड होगा, क्योंकि लोअर टर्मिनल पॉजिटिव होगा। फिर जब उसको गेट पल्स देंगे तब जाके वो ऑन होगा, तब तक लोड करंट भी हमारा जीरो रहेगा और लोड वोल्टेज भी जीरो रहेगा। एट 3 पाई प्लस अल्फा हम गेट पल्स देंगे SCR T2 को, जैसे ही T2 को गेट पर दिया वो ऑन हो जाएगा और इनपुट वोल्टेज विल अपियर अक्रॉस द लोड। सिमिलरली द करंट विल फ्लोइंग थ्रू द लोड। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है और निगेटिव हाफ साइकिल में भी लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज़ अ फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसने पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई किया। इनपुट सप्लाई था हमारा AC वोल्टेज और हमको आउटपुट वोल्टेज क्या मिला, DC वोल्टेज। इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज गिवन बाय VL इज इक्वल टू Vm by pi 1 plus cos alpha। यहाँ पे अल्फा को कंट्रोल करके हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज। अल्फा कौन सा है हमारा, फायरिंग एंगल। अगर हमको आउटपुट वोल्टेज कम चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, SCR को लेट उसको ट्रिगर करेंगे, लेट उसको ट्रिगर पल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि हमको आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा। अगर ज़्यादा चाहिए तो हम उस हिसाब से अल्फा सेट करेंगे, जितना अल्फा कम होगा उतना आउटपुट वोल्टेज हमको ज़्यादा मिलेगा। दिस इज द सिंगल फेज मिड पॉइंट टाइप कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर। लेट अस समराइज अवर टुडे सेशन। इन दिस सेशन वी स्टडीड अबाउट सिंगल फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड मिड पॉइंट टाइप रेक्टिफायर फॉर द रेजिस्टिव लोड। असाइनमेंट, एक्सप्लेन सिंगल फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड मिड पॉइंट टाइप रेक्टिफायर फॉर रेजिस्टिव लोड। POs सेटिस्फाइड आर PO1, PO2, PO3, PO4 and the PO 8, 9, 10. In the next lecture, we will going to learn about midpoint type full wave controlled rectifier with RL load. Thank you for watching this video and keep learning.